आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का निरीक्षण करने इटावा पहुंचे कानपुर जोन के एडीजी आलोक कुमार, जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ क्रिटिकल पोलिंग सेंटरों का भी किया गया निरीक्षण। पूर्व में इनको क्यों क्रिटिकल किया गया था घोषित। आगामी लोकसभा चुनाव में जो पुलिस बाहर से आएगी उनके रहने व खाने की जगहों का किया निरीक्षण। एडीजी आलोक कुमार ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अभी तक की हुई चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और आगे चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाई गई। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के बारे में संतुष्ट नजर आए एडीजी आलोक कुमार। कानपुर एडीजी ने बताया कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बहुत ही सेफ है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद इटावा में जो तैयारियां हो रही हैं उसी की समीक्षा करने के लिए आज मैं आया हुआ हूं। एसएसपी साहब और डीएम के साथ यहां का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, जहां से चुनाव पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल किया जाएगा, उसका मैंने भ्रमण किया। उसके साथ साथ एक जो क्रिटिकल पोलिंग सेंटर है उसको भी जाकर देखा गया, वहाँ की क्रिटिकलिटी के क्या कारण थे और पूर्व के वर्षों में इस बार उसको क्यों चिन्हित किया गया है और उसमें क्या किस तरह का सिक्योरिटी प्लान रहेगा, उसके बारे में समीक्षा की गई। और इसके साथ साथ जब इलेक्शन लोकसभा के होते हैं या किसी विधानसभा के होते हैं तो उसमें बड़ी भारी संख्या में हमारे पास बाहर से भी पुलिस बल आता है, तो उस पुलिस बल के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी होते हैं और प्रदेश के भी होते हैं। उस पुलिस बल के रहने की क्या व्यवस्था होगी उसको देखने के लिए भी बनाया गया। और अब उसके बाद सभी यहाँ थाना अध्यक्षों के साथ यहाँ के टावर के और पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें जो चुनाव को लेकर जो तैयारी अभी तक हुई है और आगे हमको क्या क्या करना है, किस तरह से हम क्रिटिकलिटी की मैपिंग कर रहे हैं, हमारे जो एसडीएम और सीओ हैं किस तरह वो ज्वाइंट भ्रमण कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनाव कार्यालय किस तरह कार्य कर रहा है, जो बाहर से हमारे पास फोर्सेज आएंगे उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, चुनाव के दिन हमारा क्या डिप्लॉयमेंट होगा, हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स हैं उसको हम किस तरह से सील करेंगे, इस सब के बारे में अभी ये समीक्षा यहाँ की। जैसा कि निरीक्षण किया उसमें आपने क्या कुछ देखा, क्या कमियां पाई और क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? अभी क्योंकि ये सेंटर इंटीग्रेटेड सेंटर जो है वो अभी शुरू हुआ है, उसमें कुछ एपिक कार्ड को लेकर कुछ लोगों की छोटी छोटी त्रुटियां थी, जो इसको जिलाधिकारी और स्तर पर उसको देखा जा रहा है, तो कहीं टाइपिंग मिस्टेक है या नाम कुछ गलत हो गया है, तो वो कंट्रोल रूम वहाँ से फंक्शन कर रहा है, उसमें एक 1950 करके नंबर है जिस पे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसका समय के साथ साथ जो है जो निस्तारण है वो भी हो रहा है। क्रिटिकल सेंटर जो है वो अपने आप में ठीक है, अच्छा बना हुआ है और पूरी तरह से सेफ है।